हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ स्नेहा दिव्य। आज हम करेंगे क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट, ये थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा। समझने की देरी होती है स्टूडेंट क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। देखिए क्या कहा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। तो हम फटाफट बना लेते हैं क्या उसने बोला है। जो बोला होता है सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लीजिए, माइंड में भी और नोटबुक में भी। ओके, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इस तरीके से उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, ये क्या है, एक बर्तन है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या, ये उसका ऊंचाई हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब उसने बोला है उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, इसका ऊपरी सिरा क्या है, खुला हुआ है, उसकी त्रिज्या क्या है, 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, और ये क्या है, इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है ऊपर तक। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, जो इसमें से भरे हुए पानी को एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। देखिए सुन, इसके अंदर कुछ गोलियां डाली हैं जो कि किस शेप में है, किस आकार में है, गोले के आकार में है। ठीक है, और उसकी त्रिज्या क्या है, ये दी हुई है 0.5। सपोज ये जो गोली इसमें डाली जा रही है, ये इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है स्टूडेंट, 0.5 सेंटीमीटर दी है। अब देखिए इसने कहा है, इसमें जितनी गोलियां डली हैं, जब इसमें गोलियां डाली तो पानी क्या हो गया, बाहर फ्लो आउट हो गया, बाहर गिर गया। ठीक है, बाहर गिर गया। तो अब उसने पूछा है बाहर जो पानी गिरा है वो कितना, एक चौथाई, इसमें जितना पानी था उसका एक चौथाई गिरा है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका आयतन। ठीक है, मतलब एक शंकु का आयतन निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि जितना इसका आयतन होगा उतना ही पानी का आयतन होगा। ठीक है, उतना ही इसमें पानी होगा, तो शंकु का आयतन निकालिएगा। अब उसका क्या कहा स्टूडेंट, एक चौथाई पानी निकल गया, तो मतलब जो आयतन, जितनी गोलियां डली वो क्या है, जितना पानी गिरा उसके बराबर है उन दोनों का आयतन। मतलब हम देखिए, इसमें जितनी एक गोली डाली मतलब उसका आयतन सपोज 2 है, 2 सेंटीमीटर क्यूब है एक का। ठीक है, तो उतना पानी बाहर निकल गया, फिर गोली डाली फिर बाहर निकल गया, मतलब जितना पानी निकल रहा है, जितने आयतन का पानी निकल रहा है उतना आयतन क्या होगा, इन गोलियों का होगा। ठीक है, जब हमें गोलियों का और जितना पानी गिरा है, एक चौथाई पानी का आयतन क्या है, बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर है, क्योंकि जितनी गोलियां डलेंगी उतना ही पानी निकलेगा। ठीक है, तो ये दोनों का आयतन इक्वल होगा। जब इन दोनों का आयतन इक्वल होगा और हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, एक चौथाई पानी कितना निकला और एक गोले का आयतन से, तो हमें नंबर ऑफ मतलब पता चल जाएगा कि कितनी गोलियां डली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कैसे करना है, सबसे पहले हम लिखते हैं शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई। शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई करते हैं, लिखते हैं क्या है, h, क्या है वो हमारी 8 सेंटीमीटर। ओके, ये शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई होगी। आप देखिए शंक्वाकार बर्तन का रेडियस r मतलब त्रिज्या कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम निकाल देंगे शंकु में जल का आयतन कितना है। ठीक है, शंकु में जल का आयतन, शंकु में जल का आयतन क्या होगा, जो इस शंकु का आयतन होगा वही शंकु में जल का आयतन होगा। ठीक है, तो जो कि क्या होता है, 1/3 πr² h होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ हम यहाँ पुट कर देंगे 1/3 और पाई का मान कितना होता है, 22/7 और r² हमें कितना दिया स्टूडेंट, 5। तो 5 × 5 दो बार है ना, और स्क्वायर r h कितना है हमें, 8 दिया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 22 को 5 से किया तो 110 × 8 = 40 / 7 = 21। जब इसको सॉल्व किया 0 × 0 = 4 × 4 = 4 / cm³। ये हमारा आ गया शंकु में पानी का आयतन। ठीक है, ये कुल पानी आ गया कि कितना पानी उसमें
था, पानी का आयतन आ गया। अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें पता है कि बाहर जितना पानी गिरा मतलब एक चौथाई, वो किसके बराबर है, जितनी गोलियां इसके अंदर है उसके आयतन के बराबर है। तो हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देते हैं बाहर निकलने वाले जल का आयतन किसके बराबर है स्टूडेंट, शीशे की गोलियों के, शीशों की, शीशे की गोलियों का आयतन, ये दोनों बराबर है। देखिए बाहर जितना पानी निकला वो किसके बराबर है, शीशे की गोलियों के आयतन के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ निकालेंगे बाहर कितना पानी निकला। ठीक है, बाहर निकलने वाले पानी का आयतन निकालेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं बाहर निकलने वाले पानी का आयतन क्या होगा, एक चौथाई है किसका, क्या बोला था स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से देखिए लिखा हुआ था, यहाँ लिखा है एक चौथाई डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। तो भरे हुए पानी का आयतन कितना था ये, तो इसका एक चौथाई निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, शीशों की गोलियों का आयतन के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे एक चौथाई किसका, कुल पानी का, तो 4400/21। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1100/21, मतलब 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आयतन आ गया, बाहर जो पानी निकला है उसका आयतन, और शीशे की गोलियों का आयतन निकल गया। क्या निकल गया, ये शीशों की गोलियों का आयतन आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, शीशों की गोलियों का आयतन आ गया, अब हम क्या निकालेंगे, एक गोली का आयतन निकालेंगे, एक गोले का आयतन निकालेंगे। अब हम निकालते हैं एक गोलाकार गोली का आयतन, एक गोलाकार गोली का आयतन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक गोलाकार का आयतन होता है 4/4/3π r³ होता है। तो हम लिख देंगे 4/3π की वैल्यू 22/7 और r, इसका रेडियस कितना दिया है 0.5 × 0.5 × 0.5। ठीक है, अब कर देते हैं यहाँ पे सॉल्व। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे होगा, 0.5 ये कुछ नहीं हो पाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 × 2 = 8 into डेसिमल पहले नीचे कर लेते हैं, इससे आसान हो जाता है, 5 × 5 = 25 × 25 = 125 125 होता है। ठीक है, 125/7 × 3 = 21 21 × 1 = 3000। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करते हैं 88 × 25 5 = 40 5 = 40 44 × 2 = 16 2 = 16 1 = 17 0 6 = 7 8 = 2 2 0 2 2 0 = 21 और ये 1000। तो 2 0 से 2 0 कटा, तो इस तरीके से स्टूडेंट जो हमारा आएगा 5 × 2 = 2 11 × 5 = आई थिंक स्टूडेंट इसमें 1 रह गया, 1 8 = इसे किसको क्रॉस करेंगे, 1 8 = 8 and 1 8 = 8 तो हो जाएगा 0 6 = 10 0 1 = 7 8 8 16 16 = 20 2 carry 8 2 10 11 12। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारा आ जाएगा इस तरीके से 9 6 ये हमारा जाएगा 11000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11000, तो ये 3 0 से 3 0 कट गया, तो हमारा आ गया 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये हमारा एक गोलाकार गोली का आयतन आ गया, एक गोलाकार गोली का आयतन। ठीक है, अब देखिए एक गोलाकार गोली का आयतन आ गया और शीशे की गोलियों का आयतन, शीशे की जो टोटल गोलियां हैं उसका आयतन क्या है, इतना है, और एक का आयतन ये है। जब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, इन दोनों का भाग कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितनी गोलियां हैं। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे, बर्तन में डाली
गोलियों का आयतन, डाली गोलियों का आयतन, डाली गोलियों की संख्या क्या होगी, डाली गोलियों का संख्या जो हमारा टोटल आयतन है गोलियों का, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे शीशे की गोलियों का आयतन, शीशे की गोलियों का आयतन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, शीशों की गोलियों का आयतन और डिवाइड क्या करेंगे, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। तो ये कितना हो जाएगा, शीशे में टोटल गोलियों का आयतन क्या था, 100/1100/21 और इसको जब डिवाइड करेंगे, ठीक है ये भाग है तो डिवाइड कितना है किससे करेंगे, 11/21 से। और आपको पता है क्या होता है, ये इसका क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, 21/11 तो इससे ये कटा तो कितना गया 100। तो कितनी गोलियां डाली गई थी, 100 गोलियां। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया, अगर आपका क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, और कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।